नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन के इस्तेमाल से आप अपनी सेक्स लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं लिबिडो की कमी है सेक्सुअल डिजायर नहीं है पैनिस में तनाव नहीं आ पाता है कैसे इसे दूर कर सकते हैं लहसुन का इस्तेमाल हम सब्जी में करते हैं खाने में करते हैं स्वाद बढ़ाता है लेकिन इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है जैसे कि अगर आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है तब आप लहसुन खा सकते हैं हाई बीपी रहता है आपका लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लड फ्लो कम है यानी खून का प्रवाह कम है आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये अच्छे से जानते हैं कि जब पेनिस में तनाव की जरूरत होती है तो ब्लड फ्लो आपका अच्छा होना चाहिए लहसुन के अंदर पाया जाता है एलिसिन नाम का केमिकल एलिसिन नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है आपकी बॉडी में और नाइट्रिक ऑक्साइड पेनिस में तनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो जब आप लहसुन खाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड आपके अंदर प्रोड्यूस होता है और पेनिस में तनाव अच्छा आता है लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब हम सब्जी में लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो सब्जी में पकने के बाद एलिसिन खत्म हो जाता है उसका असर खत्म हो जाता है तो आपको एलिसिन कैसे लेना है आपको लेना है लहसुन कच्चा आपको कच्चा ही लहसुन इस्तेमाल करना है।, उसे पकाना नहीं है आप उसे चबा करके खा सकते हैं हालांकि थोड़ा स्वाद में कड़वा होता है या फिर आप उसे शहद मिला करके खा सकते हैं या फिर आप उसे कली जैसे खा ली और उसके ऊपर पानी पी लिया उसे आप निकल सकते हैं तो उससे भी आप बच सकते हैं साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं लेकिन एक डोज जान ले आप एक दिन में दो या तीन से ज्यादा कली ना ले कली की बात कर रहा हूं गली की नहीं कली की एक दिन में दो या तीन से ज्यादा आपको नहीं लेनी है रात में सोने से पहले आप गुनगुने पानी या सादे पानी से लेकर के सो जाए इसका इस्तेमाल आप जब रेगुलर करते हैं तो जो पेनिस में तनाव आने की दिक्कत है वो खत्म हो जाती है ऐसा नहीं कि आज आपने खाए तो और आपको एकदम से बिल्कुल शेर वाली ताकत मिल गई ऐसा नहीं होता है रेगुलर आपको इसका इस्तेमाल करना होता है साइड इफेक्ट नहीं होता लेकिन बस एक थोड़ा थोड़ा सा सा इसकी disadvantage ये है इस इस है। है, कि इसमें आती आती जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मुंह से दुर्गंध वो थोड़ा सा आपको असहज कर सकता है तो उससे बचने के लिए फिर आजकल कुल्ला करने वाले जैसे होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीजों का इस्तेमाल करने से, जो मुंह की दुर्गंध है उससे आप बच सकते हैं सर्दी है गर्मी है आप दोनों मौसम में इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फिर से कह रहा हूं दो या तीन कली से ज्यादा आप इसे नाले वरना फिर साइड इफेक्ट भी बनने शुरू हो जाते हैं उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप करना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी आपका दिन शुभ हो नमस्कार धन्यवाद